अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम एक हॉरर गेम की सीरीज स्टार्ट करेंगे। और जो हमारी GTA वाली सीरीज है, हम एक एपिसोड उसका करेंगे, फिर उसके बाद फिर एक पार्ट इसका करेंगे। इस तरह बारी बारी हम दोनों को लेके चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हॉरर गेम के लिए बेसिकली जो फर्स्ट पर्सन है, मेरा ख्याल वो बहुत बेटर होता है। तो इसके अंदर हम फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे, प्ले मेकर के जरिए बनाएंगे। जिसको नहीं पता प्ले मेकर क्या है, प्ले मेकर एक विजुअल स्क्रिप्टिंग टूल है जिसके अंदर हम बगैर कोडिंग के जो है वो गेम तैयार कर सकते हैं, अपनी फुली फंक्शनल गेम जो है वो हम तैयार कर सकते हैं। तो प्ले मेकर हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमारा जो करेक्टर होगा उसकी पूरी हम बॉडी यूज़ करेंगे। मतलब कि हम एक सादा कैप्सूल लेकर उसको नहीं करेंगे, हम पूरी बॉडी यूज़ करेंगे करेक्टर की, ताकि आप यानी कि आप अगर एडवांस एनिमेशंस वगैरह डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो इसको बेसिक बेसिक ही रखूँगा। तो मैंने इसके लिए भी फ्रैंकलिन का मॉडल ले लिया जो हमने GTA वाली सीरीज़ में जो है वो लिया था। आप मैं अगर आपको नहीं पता है कौन सा मॉडल है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये जो मॉडल है ये मेरे पास रिग मॉडल है, साथ मेरे पास एनिमेशंस भी पड़ी हुई हैं और इसके सारे मटेरियल्स वगैरह हैं मेरे पास। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बॉडी मैश का, ये काट देते हैं। और इसके अंदर पहले मैं इसकी लाइटिंग ठीक कर लूँ, क्योंकि जो हमारा नया यूनिटी का वर्जन है उसके अंदर लाइटिंग की फाइल बना के वो सीन में डालनी होती है। प्रोजेक्ट को है वो साफ साथ साथ सेव कर लिया करें। मैं इसको टी फैब से अनपैक कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक एम्प्टी, इसका नाम मैं रख लेता हूँ प्लेयर, और हम इसके अंदर डालते हैं करेक्टर कंट्रोलर। मेरे मॉडल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा है, इस वजह से मुझे जो अपना मॉडल है उसको बड़ा करना पड़ेगा। मोस्टली मॉडल जो है वो ठीक होंगे आप लोग के, लेकिन तो ये मेरा साइज है वो ठीक हो गया है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाइट इसकी 0.05 ताकि ज़मीन के ऊपर आए, और अपना जो बॉडी मैश है उसको भी ऊपर देते हैं ताकि ये उसके अंदर रहे करेक्टर कंट्रोलर के अंदर। और इसके मैं मटेरियल डाल लेता हूँ अपने करेक्टर के, आप कोई भी करेक्टर ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो आप मैं आपको बताऊँगा कि आपके करेक्टर के अंदर क्या होनी चाहिए। तो ये हमारा करेक्टर जो है वो सेट हो गया है, और अब हम एक प्लेन गेम ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट और यहाँ पे एक प्लेन ऐड कर देते हैं रीसेट, फोटो में आता हूँ मटीरियल के नाम से, यहाँ पे एक नया मटीरियल बना देता हूँ प्लेन के लिए प्लेन, और प्लेन इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट ग्रे करके पे लगा देते हैं, और प्लेन का साइज जो है वो हम कर देते हैं 3×3। अच्छा, अब
ये जो हमारा बॉडी मैश है इसको हमें उठा के अपने लेयर में रख देना है। मेन कैमरा को हम करेंगे रीसेट और इसको अपने प्लेयर के हेड के पास ले आएंगे, नियर इसका कम कर देंगे। और ये हो गया अपना मेन कैमरा जो है उसको प्लेयर में उठा के रखेंगे। अब जो मैं आपको बताया गया था कि अभी आपको नज़र आ रहा है कि ये इस तरह प्रॉब्लम कर रहा है, ये हमें उसके अंदर वाला नज़र आ रहा है जो उसके दांत और है आपके करेक्टर के अंदर आइज वगैरह का सिस्टम है। तो जो अब आपका ये मैश है इसके अंदर जो ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि इसकी ये जो गर्दन वाला हिस्सा है ना ये अलग होना चाहिए, मतलब कि बॉडी का हिस्सा अलग होना चाहिए और बाकी आपके फेस का जो है वो हिस्सा अलग होना चाहिए। तो मेरे करेक्टर का ऑलरेडी है, अगर किसी का नहीं है तो ब्लेंडर के अंदर जाके वो कर सकता है। तो ये यहाँ से ना अब यूनिटी के अंदर एक ऑप्शन होती है। अब मेरे तो तीन चीज़ें हैं, बाल और आंखें और ये जो हेड है, तो मैं तीन चीज़ों को सिलेक्ट करके जो जो चीज़ें आपके हेड वाली साइड पे उन सबको सिलेक्ट करके उसके बाद फिर यहाँ पे ना स्किन मैश रेंडर के अंदर एक लाइटिंग के अंदर कास्ट शेडोज की ऑप्शन होती है। यहाँ पे एक ऑन ऑफ टू साइडेड और एक होता है शेडोज ऑनली, शेडोज ऑनली हम करेंगे तो ये आपको अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये अपना शेडो कास्ट करेगा, अपना शेडो जो है वो ये कास्ट करेगा लेकिन शो नहीं होगा ये, क्योंकि अगर मैं इसके शेडो जो है वो ऑफ कर दूँ तो वहाँ जो है वो इसकी शेडो नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं शेडोज ऑनली कर दूँ शेडोज नज़र आ रहे हैं लेकिन वो उसके जो यानी कि मैश है वो नहीं हमें नज़र आ रहा। तो ये चीज़ हमें चाहिए, इससे अब जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। कैमरा को चलो देख के हम बाद में सेट कर लेते हैं। एनिमेशन मेरे पास पड़ी हुई है वॉक की और उसकी आइडल की, तो एनिमेशन मैं रन की भी है लेकिन रन वाली मुझे जो है वो थोड़ी उसका मैं देखूंगा तो फिर उसको ऐड करेंगे। तो अभी यहाँ पे ये आइडल और वॉक, मिक्स मोशन ट्रांजिशन है सादा। यहाँ पे हम एक फ्लोट का वेरिएबल बना लेंगे मैग के नाम का, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं नहीं बनाऊंगा। ये ट्रांजिशन हम डालिए स्टैंडर्ड वॉक और स्टैंडर्ड आइडल, आइडल वाले के अंदर इनका रिग जो है वो ह्यूमनॉइड रखना है और यहाँ से सारी वो ग्रीन कर लें, आप जो ग्रीन वाले हैं उनको टिक कर लें, लूप टाइम और ये बाकी। और इसके अंदर भी आपने वॉक वाली में इसका रिग ह्यूमनॉइड रखना है और यहाँ पे जो ग्रीन वाले हैं उनको टिक कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे हैज टाइम फॉल्स फॉल्स करके हम मैग ग्रेटर देन 0.1 और इसको फॉल्स करके मैग लेस देन 0.1। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर अपने प्लेयर के अंदर हम डाल लेते हैं FSM और इसका नाम देते हैं प्ले मूवमेंट एडिट, इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। स्टेट वन का नाम रख लेते हैं आइडल प्लस वॉक। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि गेट एक्सिस वेक्टर। अब इसके अंदर जो है प्रोसेस थर्ड पर्सन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो यानी कि इसके अंदर दो स्टेप सेम है बाकी फ़र्क है। तो माउस लुक वगैरह जो सारा सिस्टम है ना तो वो आपको देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वेक्टर हम इसके अंदर स्टोर करेंगे और मैग्नीट्यूड हम इसके अंदर स्टोर करेंगे और ये हमारे इनपुट सिस्टम्स यहाँ पे होते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स और इनपुट मैनेजर के अंदर ये यूनिटी ने ऑलरेडी जो है वो सेट किए होते हैं कुछ इनपुट्स हमारे लिए, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो गेट एक्सेस वेक्टर के जरिए जो है वो हम बंदे का इनपुट ले रहे हैं, मतलब कि मैं जो अगर कीबोर्ड से WASD दबा रहा हूँ तो वो सारा इनपुट आ रहा है मेरे पास और वो इस वेक्टर और मैग्नीट्यूड स्टोर हो रहा है और जो इसका रिलेटिव टू है वो मैं रखूँगा मेन कैमरा। और अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगा
एनिमेटर फ्लोट। और यहाँ पे अभी हमें शो कर रहा है कि एनिमेटर कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है क्योंकि वो हमारे बॉडी मैश में पड़ा हुआ है। तो मैं ऐसे स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट और बॉडी मैश को उठा के इसके अंदर रख दूंगा। पैरामीटर्स मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो मेरे पैरामीटर का नाम था मैग, आप यहाँ से इसका नाम कॉपी करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो लफ्ज़ों में। और ये हम इसका जो वैल्यू है वो हम इस वाली मैग्नीट्यूड के बराबर सेट कर देंगे ताकि जब हम कोई भी अपना इनपुट दें तो वो सारा इनपुट जो है वो यहाँ पे चेंज होता रहे। तो और जब चेंज होगा वन से ऊपर होगा तो 0.1 से ऊपर होगा तो फिर हमारी एनिमेशन की ट्रांजिशन चली जाएगी। मैं यहाँ पे इसको एवरी फ्रेम ऑन कर लेता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हर फ्रेम पे जो है वो करे, एनिमेट करे। और इससे अगला है हमें करेक्टर मूव, हाँ कंट्रोलर सिंपल मूव। तो ये करेक्टर वाले जो हिस्सा है उसके अंदर होगा कंट्रोलर मूव और कंट्रोलर सिंपल मूव। तो मैं कंट्रोलर मूव रखूँगा और इसके अंदर जो मूव वेक्टर है वो वेक्टर है जो हमने यहाँ स्टोर किया था। और इसके अंदर ये हमारे करेक्टर कंट्रोलर हमारे इसी प्लेयर वाले के अंदर है। इसके लिए करेक्टर कंट्रोलर जो है वो आपके इसमें होना ज़रूरी है क्योंकि अगर मैं जो है इसको रिमूव कंपोनेंट कर दूँ तो यहाँ पर मुझे कहता है कि करेक्टर कंट्रोलर कंपोनेंट। हम इसको कैप्सूल क्लाइडर से मेरा ख्याल नहीं कर सकते, मैं चेक करके देखते हैं। तो कैप्सूल क्लाइडर से आपने देखा कि नहीं डिटेक्ट नहीं करता, तो यानी कि कैप्सूल क्लाइडर इसके लिए काम नहीं करेगा, इसके लिए करेक्टर कंट्रोलर होना ज़रूरी है। तो ये हो गया। और स्पीड स्पेस इसकी वर्ड रखेंगे, स्पीड मैं इसकी 2 कर देता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ अपनी जो हमारी एनिमेशन है उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है इसकी स्पीड स्लो थी, तो फिर मैंने चेक कर लिया था तो 2 पे ठीक है। आपकी जो एनिमेशन है उसके हिसाब से आपने इसकी स्पीड रखनी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही अच्छी लगे और यानी कि रियलिस्टिक लगे, तो वो आप देख लें। तो अब हम गेम टैब को इधर लगा लेते हैं और इधर लगाता हूँ मैं, और सीन चला लेते हैं हम और चेक कर लेते हैं कि अब क्या बनता है। तो अभी गेम हमारी चल रही है, तो आपने देखा कि हमारा करेक्टर जो है वो मूव कर रहा है फर्स्ट पर्सन में, लेकिन ऑब्वियसली जो है वो इसकी एनिमेशन काम क्यों नहीं कर रही। कंट्रोलर हम मैंने एनिमेटर के अंदर नहीं रखा तो मैं कंट्रोलर रख देता हूँ यहाँ से कंट्रोलर। तो सॉरी आप देख लें इसका कंट्रोलर जो है वो डाल लें। तो अब चेक करते हैं, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, हमारी जो एनिमेशन है उसका एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपका एनिमेटर है इसके अंदर जो अप्लाई रूट मोशन वाला टिक है वो आपने जो है वो यानी कि जो आपका ट्रू और बूलियन है उसको आपने फॉल्स कर देना है, तो फिर ये एक ही जगह पे मूव करेगा, फिर जिस तरह हम इसको मूव करवाएंगे उस तरह करेगा। तो ये मूव कर रहा है सही तरीके से, तो एनिमेशन जो है वो सही लग रही है। ये बाकी इतने का पता नहीं लगता किसी को, ये तो फिर फर्स्ट पर्सन में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो मतलब कि आपने बॉडी आपकी शो हो रही है आपका यानी कि अच्छा लगता है। फिर वो यहाँ पे हम और एक FSM डाल लेते हैं, फिर FSM और यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं कैमरा मूवमेंट, मतलब कि आप फिर एनिमेशन ब्लेंड ट्रीज आ जाते हैं वो आप बना के, तो फिर और आपके पास पीछे जाने वाली एनिमेशन साइड पे जाने वाली एनिमेशन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अब यानी कि हम बेसिक से बेसिक कर रहे हैं तो फिर मैं आपको इस तरह एक ही एनिमेशन के ज़रिए जो है वो ज़्यादा होगा हमारा यानी कि करेक्टर का शेडो जो है वो शो होगा और हैंड्स वगैरह सारे शो होंगे, तो यानी कि पता लगेगा कि करेक्टर की बॉडी यूज़ की जा रही है, वरना वो मोस्टली कैप्सूल जो है वो
यूज़, मतलब कोई कोई करता है तो वो कैप्सूल जो है वो अच्छा नहीं लगता, उसका शेडो जो है वो पता लगता है कि यानी कि कैप्सूल कोई सादा चीज़ ऐड की हुई है। तो मैं इस स्टेट का नाम रख देता हूँ माउस लुक, ये जस्ट मैं मतलब वैसी स्टेट के नाम रख रहा हूँ, आप नहीं रखें ना रखें, यहाँ पे माउस लुक और एक और माउस लुक। अब हम यहाँ पे दो माउस लुक लेंगे, एक माउस लुक जो है वो स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट हम रखेंगे सिर्फ मेन कैमरा पे, और इसका एक्सिस रखेंगे वाई। मैं अपने मेन कैमरा को सिर्फ वाई वाले एक्सिस के अंदर जो है वो रोटेट करवाना चाहता हूँ, मतलब कि अब यहाँ पे जो है वो वाई वाले एक्सिस जो है वो साइड पे बता रहा है, लेकिन माउस की जो सेटिंग्स है उसके अंदर जो वाई होता है वो ऊपर नीचे वाला होता है, तो मैं इसको वाई रखूँगा और सेंसिटिविटी मैं इसकी 6 रख के, और एवरी फ्रेम स्पेसिफाई गेम ऑब्जेक्ट मेन कैमरा अपना मेन कैमरा जो है वो रखेंगे। और अब दूसरा जो है कि अब मैंने उसको माउस एक्स एंड वाई क्यों नहीं रखा, उसकी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा करेक्टर जो है जब मैं अपना माउस एक्स में हिलाऊँ तो मेरा करेक्टर पूरा का पूरा जो प्लेयर है वो इस तरह रोटेट हो, बजाय कि अकेला कैमरा हमारा सिर्फ रोटेट हो, और जब मैं ऊपर नीचे वो करूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी ऊपर नीचे हो, सिर्फ कैमरा ऊपर नीचे हो, तो इस वजह से मैंने दो माउस लुक डाले हैं। तो अब मैं इसको अकेला माउस एक्स कर दूंगा और यूजर अराउंड क्योंकि हमारा प्लेयर है तो प्लेयर पूरा करेक्टर है तो वही पूरा इस तरह रोटेट होगा, तो वो सिलेक्ट हुआ है यूज ऑनर, और यहाँ पे सेंसिटिविटी इसकी 6 रख लेते हैं और ये ठीक है। अब चेक करते हैं, अब अगर मैं इस तरह रोटेट करता हूँ तो ये आपने देखा है कि पूरी करेक्टर जो है वो हमारा मूव हो रहा है, वो आप शेडो देख सकते हैं कि अच्छा लग रहा है शेडो, और हेड का शेडो भी आ रहा है, और अभी ये जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको हम सेट कर लेते हैं कि बीच में हमारे करेक्टर की नज़र आ रहा है और हम ऊपर नीचे देख सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उस तरह नहीं हो रही, मतलब कि पूरी रोटेट नहीं हो रही साथ। तो ये कैमरा हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं देख के यहाँ से, जो हमारा मेन कैमरा है इसको मूव करके इधर जहाँ पे इसकी हेड की आउटलाइन आ रही है वहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे चेक करते हैं, तो अब ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, इसके हाथ नज़र आ रहे हैं हमें और टांगे नज़र आ रही हैं, चलता हुआ कैरेक्टर हमारा नज़र आ रहा है, और ये इसके अंदर जो है वो हो रहा है। तो यार चेक कर लेते हैं हम, ये टांगे और हाथ नज़र आ रहे हैं और शेडो भी सारा हमारा सही आ रहा है, हेड का भी शेडो शो हो रहा है, तो ये सही हो गया। और एक फंक्शन हम और डालेंगे अपने कैमरा वाले में, यहाँ पे माउस सेट माउस कर्सर, हाइड कर्सर और लॉक कर्सर, ताकि हमारा कैमरा का यानी कि जो हमारा माउस है वो गेम के अंदर लॉक रहे तो वो हम ऐड करेंगे इसके अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो अब अगली हमारी GTA की वीडियो आएगी तो वो उसके अंदर हम जंपिंग देखेंगे और रनिंग देखेंगे साथ, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर कुछ हेड की ब्रीथिंग और इफेक्ट्स होंगे, मतलब कि ऐसे लगेगा कि करेक्टर ब्रीथ कर रहा है और वॉक करते वक्त मतलब कि मूवमेंट पता लगेगा कि करेक्टर मूव कर रहा है, तो यानी कि अभी तो आपको स्टिफ मूवमेंट नज़र आ रही है, मतलब सीधी स्ट्रेट स्ट्रेट मूवमेंट है, ऐसी कैमरा जैसे मूव हो रहा है, तो वो ऐड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें, मैं आगे और जो है वो वीडियो बनाऊँ अच्छी अच्छी जिससे आपकी हेल्प हो सके, आप लोग मुझे सपोर्ट करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।